अब हम हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम व्हाट इज किडनी फेलियर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर किडनी फेलियर, ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ये जो किडनी फेलियर का टॉपिक है, ये हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ किडनी फेलियर, जो नेफ्रॉन का टॉपिक था उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, राइट। अब जो हमने ये नेफ्रॉन का टॉपिक देखा, जिसमें हमने इनसाइड द किडनी क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से सब कुछ फिल्टर हो रहा है, ये सब कुछ हमने बेसिकली किडनी के बारे में देखा, राइट। तो उसमें हमने पूरा प्रोसेस देखा, तो पहले हम देख लेते हैं बेसिक फंक्शन क्या है किडनी का, ओके। और जो हमारा रेगुलर पैटर्न है उसी के हिसाब से जाएंगे, दैट इज पॉइंट वाइज हम आगे आगे एक्सप्लेनेशन बढ़ाएंगे, राइट। तो पहले हम हमारा पॉइंट पढ़ लेते हैं, बेसिक फंक्शन क्या है किडनी का, उसके बाद हम फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे, ओके। सो देखो, द किडनी फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम इट एंड आर पास्ड टू द ब्लैडर वेयर दे आर रिमूव, ओके। सिंपल सी बात है, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा वो यहाँ पर दो लाइन में समझा है, दैट इज अब ब्लड आता है, सिंपल सी बात है, ब्लड आता है उसमें दोनों ही सब्सटेंसेस होते हैं, दैट इज यूजफुल सब्सटेंस एंड हार्मफुल सब्सटेंस, ओके। अब ऑब्वियसली चीज है, यूजफुल सब्सटेंस बॉडी के अंदर रखना है, हार्मफुल सब्सटेंस रिमूव करना है। तो यहां पर ये जो किडनी है ये अपना मेन रोल प्ले करती है, दैट इज जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो ब्लड को फिल्टर करके रिमूव कर लेते हैं। अब यहां पर टॉक्सिन लिखा है, उसके जगह पे टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह, ये सारी बातें हम करेंगे, क्या क्या वैलिड है, क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं यहां पर। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो ब्लड को फिल्टर करके रिमूव किए जाते हैं, कहां से, ब्लड से, ओके। एंड आफ्टर दैट जो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिसमें एक्सेस वाटर भी इंक्लूडेड है, वो सारा का सारा कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में पास किया जाता है, एंड इट इज देन रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ओके। सो ये था बेसिक फंक्शन पूरा जो हमने दो लाइन में देखा। अब इसी को आपको डिटेल में देखना होगा, डिटेल में समझना होगा, तो नेफ्रॉन करके टॉपिक है जिसके अंदर हमने इनसाइड द किडनी क्या क्या है, कैसे कैसे काम कर रहा है सब कुछ, कैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस और यूजफुल सब्सटेंसेस अलग हो रहे हैं, ये सब कुछ हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वाला वीडियो भी आप प्रिफर कर सकते हो, इन दो लाइन को वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, हर एक माइनर डिटेल को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, तो बेसिक फंक्शन आपको पता चल गया किडनी का, दैट इज जो ब्लड आ रहा है किडनी में, ओके, उसे फिल्टर करना है। फिल्टर करने से क्या होगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट इज टॉक्सिन्स जो है वो ब्लड से रिमूव हो जाएंगे, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस वो ब्लड के साथ वापस बॉडी में आएंगे, और जो टॉक्सिन्स दैट इज हार्मफुल सब्सटेंसेस वो ब्लैडर में पास किए जाएंगे और यूरिन के फॉर्म में वो हमारे बॉडी से बाहर रिमूव होंगे, ओके, रिमूव हो जाएंगे सिंपली, राइट। अब देखो, इसीलिए बोला गया था और कई बार मैंने बोला कि पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ओके, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो किडनी ये ऑर्गेन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब जब ये पूरा टॉपिक हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला गया था, बिकॉज अगर ये किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक तरीके से प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, बिकॉज जो मेजरली वर्क है यहाँ पर वो क्या है, यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है, और वो कौन कर रहा है, वो किस चीज के अंदर हो रहा है, वो किडनी के अंदर हो रहा है, ओके। अब ये जो हमने बात किया कि टॉक्सिन दैट इज हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो रिमूव करने हैं, ओके, अब वो कौन कर रहा है, किडनी रिमूव कर रहा है, और जब ये किडनी ये रिमूव नहीं कर पाता, हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव नहीं कर पाता, उसी को क्या बोला जाता है, किडनी फेलियर, ओके। नाउ अभी किडनी फेलियर को जो हम बोल सकते हैं अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, या ये सारी चीजें हम ब्रीफली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। अब देखो, ये जो हमने बात किया अभी कि जो रिमूव नहीं कर पा रहा, मीन्स वॉट, ये ब्लड आया, हार्मफुल सब्सटेंसेस और यूजफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, अभी सेपरेट नहीं कर पाया किडनी, मींस व्हाट, वो फेल हो गया सेपरेट करने में, किस चीज को, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ब्लड फिल्टर करने के बाद जो पूरा हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो रिमूव होना चाहिए था, उस क्वांटिटी में वो रिमूव नहीं हुआ है, ओके। इसी को बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे हम किडनी फेलियर, ओके। अब इसमें भी कई सारी कंडीशंस आ जाती हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस किस तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं किडनी फेलियर को किस तरीके से बोला जा सकता है।
ओके सो देखो व्हेन द किडनी फेल्स टू रिमूव दोस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी दिस कंडीशन इज कॉल्ड किडनी फेलियर। अब यहाँ पर आपको दिखेगा रेनल फेलियर भी बोला है, तो ये दोनों ही वैलिड है। आप देखोगे यहाँ पर तो किडनी भी लिखा है, रेनल भी लिखा है ब्रैकेट में। ओके सो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर किडनी की जगह रेनल दिया या इस अल्टरनेटिव वर्ड को यूज किया, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही वैलिड है। यहां पर किडनी फेलियर भी बोलते हैं, रेनल फेलियर भी बोलते हैं, तो दोनों ही वैलिड है, इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ नहीं। ओके सो कंफ्यूज नहीं होना यहां पर। ओके